जिले के इटाही थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार स्थित पाल मैरिज हॉल में शनिवार को पुलिस ने एक फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह सभी अभियुक्त लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी बैंक खाते खोल रहे थे। यह गिरोह लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेकर नया सिम कार्ड भी चालू करवा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर मैरिज हॉल में छापेमारी करवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 व्यक्तियों को एक्सिस बैंक के इंस्टाकिट, एयरटेल जियो और अन्य कंपनियों के सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड सहित आपत्तिजनक सामानों के साथ धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने इस धोखाधड़ी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे पुलिस को यह आशंका हुई कि वे साइबर फ्रॉड में शामिल हैं। पकड़े गए व्यक्तियों में से 2 बक्सर, 1 अरवल, 2 झारखंड के धनबाद और 1 बोकारो जिले का निवासी है। इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए SDPO धीरज कुमार ने बताया कि मामला इटाड़ी थाना अंतर्गत है। कल सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो है बैंक अकाउंट खोलने के नाम पे, प्रधानमंत्री योजना के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित करके कि उनके खाते में 10,000 रुपया क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट खोल रहे थे और बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथ वो लोग नया सिम कार्ड भी उनको एक्टिवेट करा रहे थे, परंतु उनको ना तो सिम कार्ड दिया जा रहा था, ना ही बैंक अकाउंट का जो अकाउंट खोल रहा है नंबर वगैरह दिया जा रहा था। सूचना का सत्यापन के लिए वहाँ पे एक थाने की टीम को भेजा गया, तो वहाँ पे 5-6 व्यक्ति थे जिनसे पूछताछ की गई, तो उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो धनबाद से हैं, वो एक्सिस बैंक के स्टाफ बताएं अपने आप को। एक व्यक्ति जो है वो भी बताएं कि बोकारो के रहने वाले हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग यहाँ पे किसी क्या कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग बैंक से हैं और बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं। जब उनसे सिम कार्ड इशू करने के संबंध में पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आसपास जो भी ग्रामीण थे जिनका बैंक अकाउंट खोला गया था, उनसे जब पूछा गया इस संबंध में, तो उनके द्वारा बताया गया कि इन लोगों के द्वारा ऐसा उन लोगों को बोला गया कि ये प्रधानमंत्री योजना है कोई, जिसमें 10,000 रुपया जो भी बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उनके अकाउंट में आएगा और इसके साथ आपको नया नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, इसलिए नया सिम कार्ड भी एक्टिवेट कराया जा रहा था। इनके पास से एक्सिस बैंक का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारा बल्क अमाउंट में जो एक इंस्टा किट और वेलकम किट होता है वो बरामद हुआ है। बहुत सारी कंपनीज़ का लगभग 30 सिम कार्ड बरामद हुआ है, नया सिम कार्ड जो ये लोगों को दे रहे थे। इनके पास जो हमारा वो थंब इम्प्रेशन लेने वाला जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, उनके पास वो बरामद हुआ है। इसके अलावा एक नोटबुक बरामद हुई है जिसमें पैसे की लेन देन और किस किस बैंक से प्रतिदिन कितना खाता खुलवाया गया है, इस सब का डिटेल है। आगे जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया, तो ये बात निकल के आई कि यह एक तरह का संगठित गिरोह है जो साइबर क्राइम करवाने हेतु जो बैंक अकाउंट लोगों का खुलवाता है और उस बैंक अकाउंट से फिर उनका ATM और उनका फ़ोनपे नए नंबर से खुलवाता है और फिर उसमें साइबर क्राइम से जो भी पैसे आती है उसकी लेन देन की जाती है। ये सभी जो बैंक स्टाफ अपने आप को बताएं, ये एक्सिस बैंक धनबाद का बता रहे हैं, जिसको हम लोग सत्यापित करेंगे। इसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ का लोकल रहने वाला है, जिसका ससुराल था वहाँ इटाड़ी में, वो अपने परिचितों को से ये खुलवा रहा था और उसके द्वारा बताया गया कि इसमें उसके द्वारा बंधन बैंक से भी खुलवाया गया है। इसमें तत्काल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोगों पर नेम्ड FIR हुआ है, एक व्यक्ति अभी फरार हैं। हम लोग इसमें आगे की जांच पड़ताल अभी कर रहे हैं। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी पिंटू कुमार जायसवाल, कुरानसराय के कोपवा निवासी सुग्रीव पासवान, झारखंड के बोकारो थाना क्षेत्र के हरिना गांव निवासी दीपक कुमार, भूली नगर निवासी अजीत कुमार,
बोकारो जिला के बोकारो स्टील सिटी निवासी मुकेश रंजन तथा बिहार के अरवल जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के हैवनपुर गांव निवासी लक्की उर्फ अनुराग सिंह के रूप में हुई है। ये सभी स्वयं को बैंक का कर्मचारी बता रहे थे। फिलहाल इस गिरोह के सामने आने के बाद पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।